हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो का आगाज करते हैं और आज की वीडियो का जो टॉपिक है बेसिकली वो आपको अपडेट करना है कि साइप्रस के अंदर जो क्या सिचुएशन चल रही है, चाहे वो स्टूडेंट के वीज़े पे हैं या फिर चाहे वर्क परमिट के हैं या विजिट वीज़े हैं, सब के सब डिले हो रहे हैं और सबके रिजेक्शन वगैरह भी लग रही है। और यहाँ तक कि यूरोपियन यूनियन से जो विजिटर वगैरह या टूरिस्ट वगैरह आते थे वो भी नहीं आ रहे। जो होटल्स वगैरह हैं, होटल वगैरह के जितने भी जो है ना मालकान वगैरह हैं, उन्होंने बोला है कि यार इस दफ़ा जो है कैंसिलेशन शुरू हो गई है क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से बहुत से मसले बढ़ चुके हैं। ठीक है, और मैं समझता हूँ कि यही एक शायद मेजर वजह भी हो सकती है कि स्टूडेंट के वीज़े वगैरह जो है ना वो बहुत ज़्यादा कम लगेंगे या रिजेक्शन वगैरह लगेगी या फिर डिले हो जाएंगे। तो ये चीज़ आपको माइंड में रखनी चाहिए क्योंकि ये जो अभी जो सूरत हाल चल रही है, जैसे मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था कि साइप्रस ने सिर्फ एक वीक के लिए कहा था कि हम एक वीक के लिए जो है ना वो बॉर्डर क्लोज रखेंगे जो नॉर्दर्न साइप्रस के दरमियान जो क्रॉसिंग बॉर्डर है। ठीक है, वॉक के थ्रू आप क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन वो अभी डिले हो चुका है। अभी उसकी कोई जो है ना अपडेट नहीं है कि कब ओपन होगा। अभी उन्होंने फर्दर जो एक्शन लिया, कहते हैं कि अभी तक भी रिमेन क्लोज ही रहेगा, ये जो है क्रॉसिंग बॉर्डर जो है वो क्लोज रहेगा। अब हम दूसरी तरफ नॉर्दर्न साइप्रस वगैरह नहीं जा सकते। सेकेंडली ये मैं बताता हूँ कि आपको कि जो मेजर अभी वजह बन रही है कि उससे कोरोना वायरस की वजह से जो वायरस है आपको पता है पूरी दुनिया में फैल रहा है, तो हर कंट्री अपनी वजह से जो है ना वो तैयार बैठा हुआ है और वो प्रिकॉशन वगैरह कर रहा है। ठीक है, बचने की कोशिश वगैरह कर रहा है। तो सबसे पहले जो जब जैसे मैंने बताया कि ये बचने की कोशिश कर रहा है, और सेकेंड मैं आपको बताऊँ जो मेजर वजह क्या होने वाली है। अभी जो हमारा समर स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, मार्च के एंड में आपको पता है हर चीज़ जो ओपन हो जाती है कि यहाँ पे टूरिस्ट विजिटर प्लेस जो जैसे आया था क्लोज होता है वो ओपन हो चुका है। ठीक है, अभी ऐसा ऐसा ओपन हो रहा है यार, कुछ चीज़ें ओपन नहीं हुई हैं। लिमस वो तो ऑलरेडी ओपन था, लारना का वगैरह हो गया, पाफस वगैरह हो गया। तो ये इन सिटीज़ वगैरह में जो टूरिस्ट आता था, जो सबसे ज़्यादा जो यूरोप कंट्री में से आता था, ठीक है, वो जर्मन से हो गया या फ्रांस से हो गया या फिर यूके से हो गया, रशिया से हो गया, तो ये कंट्री आते हैं। तो आपको पता है जर्मनी ऑलरेडी जो है ना इन्फेक्टेड कंट्री हो चुका है, तो उसकी जो बंदे हैं जो भी टूरिस्ट वगैरह जिन्होंने प्लान किया हुआ था वो कैंसिल कर चुके हैं। ठीक है, होटल वगैरह के जितने मलकान हैं वो कह रहे हैं कि भाई जितनी भी जो बुकिंग वगैरह थी वो कैंसिल भी हो रही है, ऊपर से डिक्लाइन भी हो रहा है, और विजिटर वगैरह जो टूरिस्ट वगैरह शायद इस दफ़ा इतना ना आए, तो जिसकी वजह से हमें भी नुकसान हो जाए। जो नए स्टूडेंट वगैरह आ चुके हैं इस सेमेस्टर में फेब्रुअरी में, तो वो उनको भी काम में थोड़ी सी मुश्किल वगैरह का सामना करना पड़ेगा। जैसे टूरिस्ट वगैरह नहीं आएंगे तो हम होटल वगैरह में जाके पीछे जाके काम जॉब्स वगैरह कम होंगी। तो खैर देखते हैं आगे क्या होता है कि होपफुली कि यार कोरोना वायरस की जैसे मैं अपडेट वगैरह सुन रहे हैं कि वैक्सीन वगैरह डेवलप कर की गई है कि अभी शायद जो है ना उसको यूटिलाइज करेंगे, ठीक है, आवाम तक पहुँच जाएगी, तो और उम्मीद है कि जो है ना बेहतर हाल होगा। तो सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो का मकसद ये था कि आपको अपडेट दे सकूं कि अभी तक जो है ना साइप्रस ने वो बॉर्डर वगैरह क्लोज रखा था हुआ है, और सेकंड पे टूरिस्ट वगैरह या विजिटर वीज़ा जो जितने भी हैं वो उनके जो है वो कम हो गए हैं, वो नहीं आ रहा है या कैंसिल वगैरह हो रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ वजह जो बन रही है अभी तक से फिलहाल जो कोरोना वायरस की वजह बन चुकी है, इसके अलावा कोई और रीज़न अभी तक सामने नहीं आई है। अगर कोई भी रीज़न और सामने आती है या स्टूडेंट के हवाले से या जो भी है उनके जो रूल्स वगैरह अप्लाई किए हुए हैं उनकी अगर कोई भी अपडेट वगैरह आती है, लिमिटेशन की कोई भी जो है ना वो एक क्वांटिटी वगैरह स्टूडेंट की बताते हैं कि पर सेमेस्टर या जो कुछ भी होता है, तो मैं ज़रूर आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसके अलावा मैं आपके साथ जो है ना नई वीडियो में जो डिस्कस करने जा रहा हूँ कि साइप्रस में जो आए हुए थे स्टूडेंट जिनको एक एक साल हो चुका है, उनके लिए जो अभी जो है ना ऑप्शन जो है वो कौन सी बेहतर ऑप्शन है, वो कौन से कंट्री में विजिट इजीली अप्लाई कर सकते हैं, वो कितनी कॉस्ट उनको पड़ती है, ठीक है, और उनके उन्हें कौन सी कंट्री को विजिट करना चाहिए और उसके लिए क्या प्लस पॉइंट है, तो नई वीडियो में ये मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा और स्टे ट्यून रहेगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी जो है ना वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके, जो नई वीडियो है वो आप मिस ना कर सकें। आपके सपोर्ट का थैंक यू वेरी मच, बहुत ज़्यादा आपका शुक्रगुजार हूँ, और इसी तरह मुझे आप सपोर्ट करते रहिए, मैं आपके लिए वीडियो अपडेट वगैरह बनाता रहूँगा। साइप्रस के हवाले से कोई भी न्यूज़ वगैरह है वो आपके साथ शेयर जरूर करता रहूँगा। मिलते हैं नई वीडियो में, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।